हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ आरआरबी जेई सीएन 3/2018 रिजल्ट फॉर डीवी एंड मेडिकल आरआरबी गुवाहाटी जोन का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनल सेक्शन के लिए मेरिट इंडेक्स मार्क कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे सटीक कट ऑफ मार्क होगी मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो में साथ ही साथ डिस्कस करेंगे जो 50% स्टैंड बाई कैंडिडेट बुलाए गए हैं उनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आपने दोस्तों अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल अभी नया है और आपकी एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अदर चैनल चलाते हैं, जो हमारे वीडियो को चाहते नहीं हैं कि लोग के सामने अपने आप एसईओ में जाए, तो इस वीडियो को वो डिसलाइक करते हैं। तो दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, ये आरआरबी गुवाहाटी जोन का है। अगर आप किसी और जोन से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस जोन का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, आप अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सारे पुराने वीडियोज भी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, आरआरबी गुवाहाटी जोन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके सिविल कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों, सिविल कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड मेन लिस्ट का जो कट ऑफ मार्क है वो क्या होने वाला है, हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिविल की अगर यूआर की बात करते हैं तो 132 सीट है। 132 सीट में आपको दोस्तों टोटल 198 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। वहीं दोस्तों, इसकी मिनिमम कट ऑफ मार्क जो गई है 592.5084 गई है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आपका नंबर, आप यूआर से हैं और आपका नंबर 610 बन रहा है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन, आप मेन लिस्ट में हो, आपका सिलेक्शन हो जाना है मेडिकल के बाद। वहीं बात करते हैं अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की दोस्तों सीट है 32, जिस पे कैंडिडेट बुलाए गए हैं अप्रॉक्स 48। तो दोस्तों, जो मिनिमम कट ऑफ मार्क है गई है ओबीसी के लिए, वो गई है 586.094, मतलब 586 नंबर। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की जो मेन लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क क्या होगी, तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप 605 पा रहे नंबर लेके आए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाना है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एससी की, तो टोटल 27 सीट है, जिसमें 41 कैंडिडेट को बुलाया गया है और कट ऑफ गया है मिनिमम 488.2215। तो दोस्तों, मेरे जो अकॉर्डिंग है कट ऑफ मार्क, अगर आप 515 नंबर लेके आ रहे हैं और आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है, मेन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाना है बिना किसी परेशानी के। वहीं बात करते हैं अगर एसटी की, तो 16 सीट पे है, जिसमें एक प्रॉक्स 24 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और जो मिनिमम कट ऑफ गई है 482 नंबर गई है, 482.1939। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 510 बन रहा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि आप मेल लिस्ट में आ जाएंगे। जो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका कोई भी आरआरबी ने ऑफिशियल कट ऑफ मार्क नहीं डिक्लेयर किया, तो ये एक्सपेक्टेड है। आप इसमें कुछ 5 से 7 नंबर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में ही अगर मेरिट इंडेक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 2 से 3 नंबर भी चेंज हो जा रहा है। एक नंबर पे लगभग 10 से 12 नंबर का मेरिट इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, एक नंबर का वेरिएशन तो सभी लेके चलते हैं, जो मैं भी लेके चलूंगा। अब बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये बात करते हैं अब हम, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने सीएमए लिख रखा है, ये सीएमए नहीं है, बल्कि ये आपका, ये सीएमए की जगह यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ईसीई, इन तीनों के लिए है ये। दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं हम, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 118, जिसपे आपको कैंडिडेट बुलाए गए हैं डीवी के लिए 177 कैंडिडेट बुलाए गए हैं अप्रोक्स, और इसकी मिनिमम कट ऑफ गई है 589.9994। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो अप्रोक्स कट ऑफ मार्क होगी एक मेन लिस्ट की, वो 615 नंबर होने वाली है,
अगर आपका इससे ऊपर या इतना है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप मेन लिस्ट में हैं। वहीं बात करते हैं अगर ओबीसी की, तो यहाँ पे 60 सीट है जिसपे 90 कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं और मिनिमम कट ऑफ गई है 584.2562। तो दोस्तों अगर आपका नंबर 610 आ रहा है और आप ओबीसी से हैं और आप गुवाहाटी जोन से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट, तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, आप मेन लिस्ट में हैं मेरे हिसाब से। वहीं बात करते हैं एससी की, तो 31 सीट है जिसपे अप्रॉक्स 47 कैंडिडेट बुलाए गए हैं और दोस्तों 509.4441 यहाँ का आपका गया है मिनिमम मार्क, कट ऑफ मार्क। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप 530 नंबर लेके आ रहे हैं और आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आप मेन लिस्ट में हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल 30-30 नंबर का, 40-40 नंबर का डिफरेंस बता रहे हैं, तो दोस्तों उनका मेरे हिसाब से वो एएलपी से कंपेयर करके बता रहे हैं, जबकि एएलपी में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीट थी और स्टैंड बाय में भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी कर गई थी कट ऑफ। यहाँ पे सीट भी कम है और स्टैंड बाय में कैंडिडेट्स भी कम है, तो दोस्तों 1 से 2 अगर रॉ मार्क की बात करें तो उसमें आपका दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट कवर हो जाते हैं, तो 10 नंबर 15 नंबर मेरे हिसाब से बहुत होता है मेरिट इंडेक्स। वहीं अगर एसटी की बात करते हैं तो 18 सीट है जिसमें 27 कैंडिडेट को बुलाया गया है और 503 नंबर यहाँ की मिनिमम कट ऑफ मार्क गई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप एसटी से हैं और 525 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ। दोस्तों ये आपकी यहाँ पे मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है थोड़ी सी, यहाँ पे आपकी मैकेनिकल नहीं होगा, बाकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस तथा आईटी, ये चार ब्रांच वालों के लिए ये मैंने अलग से जो एसएनटी की पोस्ट है उसका मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क लगा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल सीट देखा जाए तो 34 सीट है, वहीं आपकी कैंडिडेट बुलाए गए हैं अप्रोक्स 51 कैंडिडेट और मिनिमम कट ऑफ मार्क गए 592.5677। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप यूआर से हैं और 620 नंबर ला रहे हैं और इन चारों ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आपका एसएनटी में सिलेक्शन हो जाना है। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 14 सीट है जिसपे लगभग 21 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ गई है 585.8925। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप 612 नंबर लेके आ रहे हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन एसएनटी पोस्ट के लिए हो जाना चाहिए। वहीं अगर एससी की बात करते हैं तो 7 सीट पे लगभग 11 कैंडिडेट बुलाए गए हैं और जिसका मिनिमम कट ऑफ मार्क गया है 511.9688। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप एसटी से और 535 नंबर आपका बन रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपका एसएनटी में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि एसएनटी यहाँ पे सीट कम है और यहाँ के भी मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले लड़के हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कि अदर सीट पे फाइट कर रहे हैं, वो इसमें भी मूव होंगे, इसलिए थोड़ा सा ये कट ऑफ बढ़ सकती है। एसटी में बात कर लेते हैं तो 4 सीट पे 6 कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं और मिनिमम कट ऑफ गई है 505.8085। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप 530 नंबर से ऊपर ला रहे हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका एसएनटी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ से। तो दोस्तों ये आपकी कैटेगरी नंबर, ये आपकी जो स्टोर की वैकेंसी है जिसमें सभी डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, ये उसकी उसके लिए है। दोस्तों ऊपर ब्रांच में मिस्टेक हो रखा है टाइपिंग में स्लाइड बनाते टाइम, तो आप उसको इग्नोर करिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टोर की है, ये जो 67 शायद कैटेगरी नंबर है उसकी है। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 69 और टोटल कैंडिडेट 9 पोस्ट है और टोटल कैंडिडेट बुलाए गए हैं 14। तो दोस्तों मिनिमम कट ऑफ मार्क यहाँ पे 590 रही है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप यूआर से हैं और 618 नंबर आपका आ रहा है तो आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 4 सीट पे 6 कैंडिडेट्स को लगभग बुलाया गया है और कट ऑफ गई है 590.0925। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप 612 नंबर ला रहे हैं और ओबीसी से हैं तो आपका दोस्तों ये स्टोर वाली पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाना है। वहीं एससी में 2 सीट है और कैंडिडेट बुलाए गए हैं 3 और दोस्तों कट ऑफ गई है आपकी 518.1291। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप एससी से हैं तो आपको 536 नंबर जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि 2 सीट 3 ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया है तो 518 वाले को छोड़ के बाकी सबका हो जाएगा, तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो जो आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उन सभी ब्रांच से हैं वो इसमें भी आ सकते हैं, तो इसलिए से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ऊपर ही रहेगा।
ये नहीं कि 518 है तो 518 वाले छोड़ के बाकी सब मेन लिस्ट में है। वहीं बात करते हैं एसटी की, तो एक सीट पे दो कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 525.2139 गए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप 528 नंबर आपका आ रहा है तो आपका एसएनटी वाले में मिल जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं अपने अगली कैटेगरी। तो दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी आपकी दोस्तों सीएमए है केमिकल की, 69 आपकी कैटेगरी नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट है 13, जिसमें आपकी कैंडिडेट बुलाए गए हैं लगभग 20, कट ऑफ गई है 664.8026। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे 675 नंबर आपका मेरिट इंडेक्स बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाना है यूआर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 6 सीट पे 9 कैंडिडेट हैं। दोस्तों आप यहाँ पे बोलेंगे कि यूआर में सिर्फ 10 मेरिट इंडेक्स बना है, दोस्तों ये बहुत ही पहले ही हाई कट ऑफ गई है, तो यहाँ पे एक नंबर के अंदर ही सारे के सारे कैंडिडेट आ जाएंगे जो एक्स्ट्रा 7 कैंडिडेट हैं। दोस्तों वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 6 सीट पे आपको 9 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो 581 नंबर यहाँ की गई है मिनिमम कट ऑफ मार्क। तो मेरे हिसाब से अगर आप 595 नंबर से ऊपर हैं या इतने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है मेन लिस्ट में। वहीं बात करते हैं एससी की, तो 4 सीट पे 6 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिसमें 556.25 नंबर मिनिमम गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपका 570 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाना है यहाँ से, या इससे कम पे भी हो जाएगा दोस्तों, आपकी 4 से 5 नंबर कम भी हो सकते हैं इस कट ऑफ में। वहीं अगर एसटी की बात करते हैं तो 2 सीट है जिसपे 3 कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ गई है 668.0921। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका कैंडिडेट्स का नंबर 368.0921 है, वही सिर्फ यहाँ पे स्टैंड बाई में होगा, क्योंकि बाकी जो एक ही कैंडिडेट्स यहाँ पे स्टैंड बाई में। तो दोस्तों इससे ऊपर जिसका भी नंबर है, मतलब 69369 से ऊपर जिसका भी नंबर है उसका मेन लिस्ट में हो जाना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा गुवाहाटी जोन का एनालिटिक वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर दोस्तों आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पल पल के अपडेट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। दोस्तों लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, इससे हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी सारी डाउट का रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों आपको अगर आप किसी और जोन से हैं और आपको किसी और जोन का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको किस जोन का चाहिए, हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।